बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 131 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 जून 2021 एंड इट इज फ्राइडे। अगर आज के मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की क्लोजिंग हुई 47,603 की। हाई बनाया मार्केट ने 48,040 का और लो बनाया 47,476 का। केसीआर शेयर वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 757.77 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। ये अगर आज के हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर जो हाईएस्ट वॉल्यूम है WTL बाइको, पेस पाकिस्तान, TPL कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रिक हम नेटवर्क, सिल्क बैंक, एस्कर 9, GGL, GGL, यूनिटी फूड जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, नेस्ले पाकिस्तान, गैटर इंडस्ट्री, हीनो मोटर, बनेरो टेक्सटाइल, मिचल फ्रूट, शिजान इंटरनेशनल, थर्ड इंडस्ट्री, वन नोबल, पाकिस्तान टोबैको, रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिनमें सफायर टेक्सटाइल, एबर्ट लेबोरेटरी, लक्की सीमेंट, इंडस मोटर और सुका पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, AKD कैपिटल, शील कॉरपोरेशन, वेद पाकिस्तान, हाई नून, नेशनल रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और जैसे एज यूजल रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेस की ऑप्शन है, आप लोग क्लिक करेंगे तभी आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले सकूंगा। मुख्तसर सवाल पूछें, किस स्टॉक के बारे में पूछें और जो स्टॉक एक बार बता दिया जाए काइंडली उसको रिपीट ना करिए। जी अली हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। ठीक है सर, आपसे एक सवाल ये पूछना था कि जिसने एक स्टॉक होता है वो अपना हिस्टोरिकल जो अगर हाईएस्ट उसने बनाया होगा, अगर 2010 में वो 10 रुपए पे गया हुआ है और आजकल वो चल रहा है 8 रुपए पे, तो वो हिस्टोरिकल अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा? बेशक उसके स्टॉक में अब इतनी जान ना रही हो, ऐसा मे बी पॉसिबल होता है? थैंक यू सर। जी अली भाई, ये पॉसिबल भी होता है लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि कंपनी अगर नीचे आया, उसका स्टॉक नीचे आया, वो किस वजह से आया। वो वक्ती अगर जो है कंपनी के अंदर कोई डाउनफॉल आया तो इसकी वजह से नीचे आया या कोई और रीजन है। बाज़ औक़ात कंपनी डिफॉल्टर्स हो जाती है, उनकी सेल्स में कमी आ जाती है, कुछ कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, कुछ के इशू शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो स्टॉक नीचे आ जाते हैं, और जब तक उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाते वो स्टॉक फिर ऊपर भी नहीं जाते ना। तो ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉक जो है वो नीचे, जो अच्छी कंपनीज होंगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी, वही वापस अपनी प्राइस को रिकवर करती हैं। अदरवाइज जो एक दफ़ा गिर गया उसका वापस उठना जो है वो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है ये, और फिर वो देखना पड़ता है कि वो किस हिसाब से नीचे गिरा है ना, ये भी देखना पड़ता है किस हिसाब से, मतलब ये बुक्ड टाइम फ्रेम्स होते हैं, किस टाइम फ्रेम के हिसाब से वो नीचे आया। जितने बड़े टाइम फ्रेम से स्टॉक नीचे आता है उतने बड़े टाइम फ्रेम लगता है फिर उसको वापस ऊपर उठने में, तो ये बड़ी लंबी साइंस है इसके बारे में। ये कभी भी हिस्टोरिकल डाटा देकर जो है आप जो है ना धोखा ना खाया करें कि ये स्टॉक एक टाइम जो था वो 300 रुपये का था, आज वो 10 रुपये का आ गया तो ये वापस 300 का जाएगा, मैं इसको ले लेता हूँ। अभी उसको लेना नहीं है आपने, लेने का एक टाइम होता है कब उसको लेना है, कब उसने चलना है। हो सकता है वो 10-20 साल एक ही जगह पर खड़ा रहिए और आप 10-20 साल उसका इंतजार क्या करते रहेंगे, कभी भी आप उसका इंतजार नहीं कर सकते। जी असर कमाल साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक से रिलेटेड सवाल है। जो आप चार्ट्स भेजते रहते हैं और जिसके अंदर आपके हीनो है, GHTL है और बहुत सारे स्टॉक हैं, तो मैं थोड़ा स्केलिंग के हवाले से पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर हीनो के अंदर मैंने एंट्री मारी थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त, और मेरा एक स्टॉक पे तकरीबन 1 मिलियन का बजट है और आपने मुझे बताया था कि अगर आपके पास 2 मिलियन का बजट है तो 2 स्टॉक्स में रहें, तो मैं 2 स्टॉक्स में रहना चाहता हूँ। एक मैंने चूज कर लिया हीनो और उसमें तकरीबन आपके हिसाब से जो आपने कहा था तो 2 से 2.5 लाख की मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टाइमली कर ली थी। अब उसका एस्केलेशन टाइमिंग कब कब मुझे सर उसके अंदर मजीद एड ऑन करना चाहिए और किस वक्त जाके प्रॉफिट टेक ऑफ कर लेना चाहिए, ये एक सवाल है। और दूसरा सर, कोई और जो आपके चार्ट में से उनमें से आपकी पसंदीदा बेस्ट सेक्टर और स्टॉक बताएं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जो है ना हसन भाई, आप इस तरह होगा ना, अगर आपने हिनो के अंदर बाइंग की हुई है, हिनो मसलसल जो है वो अप ट्रेंड में जो है वो मौजूद है ना, अब कल या परसों या आने वाले दिनों में हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन हो। ये करेक्शन वक्ती करेक्शन पर नहीं देखना कि किसी भी दिन जो है एक ही दिन के अंदर ये नीचे गिरा और फिर ऊपर चला गया, ये करेक्शन नहीं होगी। ये
कोई टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर अब ये जो 200 रुपया तकरीबन ऊपर चला गया, 309 रुपए पर हमने इसको रिकमेंड किया था और आज का जो हीनो का रेट है क्लोजिंग 572 और ये तकरीबन मेरे हिसाब से 172 रुपए के करीब करीब ये ऊपर चला गया, इससे ज्यादा ये 180 रुपए बनते हैं। ये अब ये 180 रुपए को जो है ना डाइजेस्ट करेगा ये किसी भी टाइम, या हो सकता है 25 रुपए और ऊपर जाके फिर वहां पर ये रुकेगा और रुकने के बाद बार बार जिग जैग करेगा, ऊपर नीचे हिलता जाएगा, जाएगा नहीं ऊपर ना नीचे आएगा, सिर्फ कुछ छोटी सी प्राइस के इर्द गिर्द वो मूव करेगा, आपको लगेगा कि यह बस रुक गया जितना इसने ऊपर जा रहा था, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उसने अपने 180 रुपए को या 120 रुपए को या 200 रुपए को डाइजेस्ट करना होता है, डाइजेस्ट, जैसे हम भी खाना शाना खा के हैवी ड्यूटी खाना खा के अच्छी कढ़ाइयाँ छड़ियाँ खा के थोड़ा सा हमें वॉक करनी पड़ती है ना कि जरा थोड़ा हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम आराम से सो सकते हैं रात को ना, तो हर स्टॉक भी नेचुरली अपने आप को भी वो डाइजेस्ट करेगा, वो जो डाइजेस्ट वाला प्रोसेस होगा उस दौरान आपने मजीद पैसे इसके अंदर ऐड करने, अगले वाले बेचने नहीं है वो ऐड करने हैं आपने पैसे ये वाले, तो ऐड करने के बाद जब वो दोबारा अपना फिर अप ट्रेंड बनाएगा 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद उसने फिर अप ट्रेंड बनाना है लाजमी डाइजेस्ट करने के बाद, वो फिर इसी तरह 200 रुपया मजीद ऊपर जाएगा, फिर वहां पर फिर इसी तरह अपने आप को डाइजेस्ट करेगा, तो इस तरह आप अपना पैसा उसके अंदर डालते जाएंगे और इंशाल्लाह चलते जाएं इसको लेके जाता जाएगा ये आपको, ये ठीक ठाक चला जाएगा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना देंगे। और बाकी आपने मेरे फेवरेट स्टॉक जितने भी मैं आपको डेली के डेली जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बताता हूँ वो यकीन कर सारी मेरे फेवरेट ही होते हैं, ये पसंदीदा ही होते हैं और जिनका मैं ज्यादा जोर देता हूँ। पिछले दिनों में जो है ना एग्रो फूड पर बहुत जोर देता था, ट्रीट पर जोर देता था, आजकल मेरा ज्यादा जोर एवियन पर है, एवियन बहुत अच्छा स्टॉक है और बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। फिर कल आपके साथ मैंने एटलस बैटरी का जो है वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक शेयर किया, वो भी हीनो की तरह भागेगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में किसी भी टाइम इसको भी पढ़ लगेंगे ये। अब मसला ये होता है ना कि हम लोग जब पढ़ लग जाते हैं फिर उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, पहले हम क्यों नहीं ले लेते, अब वो बिल्कुल रेडी है यहाँ पर आप ले लेंगे, कोई इसमें रिस्क नहीं है इसके अंदर ये। और इसी तरह जो स्टॉक अभी रुके हुए और उसके अंदर आप अगर एंट्री ले रहे हैं तो महीना दो महीना आपको सब्र करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा जो है ना वो जो आपने सब्र किया होगा उसमें। ये सबर वाले टाइम आप तकरीबन इन स्टॉक के खत्म है, ये स्टॉक जो है 2017 से जो है ये नीचे आए थे उसी दिन, 2017 वाले साल में ये नीचे आ गए थे। अब 2017 के साल में जब ये नीचे आ गए थे, अब मोटा मोटा मैं आपको हिसाब किताब बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एटपा की बात कर लेते हैं, एटलस बैटरी की बात करते हैं। ये एटलस बैटरी का जो शेयर है ना जो इसका अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका हिसाब बताऊं, 2017 में ये स्टॉक था जी 702 रुपए का ये, और ये फिर स्टॉक एकदम जो है ये फिर नीचे इसको डाउनफॉल लगा और ये आ गया तकरीबन 2019 में इसने अपना डिप बना लिया था 67 रुपीज का। अब जिन्होंने उसका लिया हुआ था वो उसका इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे, अब तो वो इंतजार की घड़ियां जब ऐसा सब खत्म हो रही है, अब ये ऊपर चला गया 272, अब यानी रेडी है जाने के लिए, आपको इसने ज्यादा इंतजार नहीं करवाना, पहले लोगों को इसने इंतजार करवाया दो दो साल फंसे रहे, लेकिन अब जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत बार दो चार महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये जब अप ट्रेंड बनाएगा और ये ठीक ठाक हीरो की तरह या बाकी जो स्टॉक चल रहे हैं उनकी तरह ये अप ट्रेंड बनाएंगे, तो इसमें पोजीशन ले लाजमी जो स्टॉक नीचे आए हुए काफी। जी अमीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, वो एवियन का सुना सब्सिडियरी का ऑक्टोपस का आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? और दूसरा सेंचुरी पेपर बैग और गंदारा, बड़ा गंदारा जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता दें उन दोनों का। थैंक यू जी यकूब भाई। जो है ना आ रहा है आईपीओ, आईपीओ जो है ना हम इसको इतना पसंद नहीं करते, ये पहले पहले आईपीओ चलते थे लेकिन अब कोई आईपीओ को खास चला कोई नहीं है, पिछले तकरीबन एक दो साल के सारे आईपीओ उठा के आप देखें ना, किस कौन सा आईपीओ ऐसा आया जिसने आपको 15-20% गेन दिया, ये पिछले एक दो साल के आईपीओ आप भी चेक करके मुझे बता दें। अगर मेरा जो है थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा आईपीओ आया हो जिसने इतना गेन दिया हो। अब मसला ये हो गया ना, अब आईपीओ हो गए हैं ये सारे, आपको जो है ईजी हो गया, आप मोबाइल पर ही आईपीओ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले पहले ये चक्कर नहीं होता था, पहले पहले एक फॉर्म होता था, वो बड़ी मुश्किल से फॉर्म मिलता था, फिर बैंक की लाइनें लगती थी और फिर चंद ही लोग आईपीओ जमा करवाते थे। ये तो इससे क्या होता था, जो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास ज्यादा माल होता था, आपके पास माल कम होता था, वो आईपीओ चलना शुरू हो जाते थे, बड़े तेज चलते थे ये।
आप लोग सारे अप्लाई कर देते हैं, अब बड़े प्लेयर को पता है कि ये सारे आम लोगों के पास ये सबने 500-500 शेयर इसके उठाए हुए हैं और एक बड़ी बल्क अमाउंट में जो है वो लोगों ने इसको लिया हुआ है, तो वो फिर कभी भी स्टॉक को नहीं उठाते ये, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का एक यानी लर्निंग है आप लोगों की, जो स्टॉक जिसके पीछे आप लोग पड़ते हैं वो स्टॉक कभी भी नहीं चलेगा ये वाला, और ऐसा स्टॉक चलेगा जिस पर लोगों की काम नजर होती है। एक बार मैंने आपको मिसाल दी थी कि खासतौर पर जो लोग फुटबॉल देखते हैं ना, तो ये जो बड़ी बड़ी टीमें हैं जिसमें हम कहते हैं ये रोनाल्डो है, तो ये जो है वो मेसी है, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं जो बड़े गोल करते हैं, ये तो जब भी इनका मुकाबला किसी अच्छी टीम के साथ होता है तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि रोनाल्डो को चार बंदे काबू करके रखे, मेसी को जो है वो काबू करके रखे ताकि ये गोल ना कर सके। तो जो रोनाल्डो की टीम वाले जो लोग होते हैं, जो उनके मैनेजर होते हैं, उनकी पॉलिसी ये होती है कि एंड टाइम गोल रोनाल्डो ने नहीं करना, क्योंकि लोगों ने तो उसको घेरा होगा ना, उसने जो पास देना होता है वो सबसे जो है वो स्लो किस्म के बंदे को देना होता है जिस पर किसी की भी तवज्जो ना हो, और वही गोल कर देता है। गोल तो उन्होंने करना है, चाहे वो रोनाल्डो से करवाएं या किसी और से करवाएं ना। तो अब यानी कि स्टॉक तो उन्होंने उठाने हैं, तो स्टॉक वही उठाने हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज कम कम होते हैं ये। तो आप देखें ना, जो बड़े बड़े स्टॉक थे, PPL, OGDC, POL हो गया, इसके अलावा और भी बड़े बड़े स्टॉक हैं, वो बेचारे अपनी जगह पर ही खड़े हैं ये, और चल कौन से स्टॉक रहे हैं, चल रहा है स्टॉक आपका नेट सोल, चल रहा है आपका GGGL, चल रहा है जी GGGL, चल रहा है जिसके कभी किसी ने नाम भी शायद ना सुने, और अभी सुने हो गए ये बड़े चले ये वाले स्टॉक, और ये भी हमारे सोशल मीडिया की जो है वजह से इमेज का, और टर्पोल पहले इसका नाम था, किसी ने सुना ही नहीं होगा कि टर्पोल भी कोई शेयर होता है ये वाला, ना वो किधर चला गया, डबल से कई गुना ऊपर बढ़ गया ये वाला। तो वो स्टॉक जिन पर लोगों की तवज्जो कम होती है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो IPO का भी यही मसला है, IPO में बिल्कुल भी पैसा जाया ना करें, मार्केट के अंदर आ जाएगा वही शेयर आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगा, तो वहां पर आप उसको अप्लाई करें। AVN वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है, बस AVN हमें नजर आ रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रो कंपनी है, खबरें उसकी अच्छी है, ए कैटेगरी का स्टॉक है, इंटरनेशनली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ए कैटेगरी की है। AVN के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, बोनस भी खाएगा, डिविडेंड भी उसका खाएगा वो, और कैपिटल भी आपका ये इंक्रीज करेगा, ये इतना अच्छा स्टॉक है ये AVN जो है। जी अफाक हैदर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आज मार्केट ने करेक्शन ली है तो मार्केट तकरीबन 200-300 पॉइंट नीचे आ गई है, मतलब पिछले 2-3 दिन से भी अभी तक अगर हिसाब करें जो आपके लेवल आपने बताए थे कि मतलब उस तक मार्केट अगर करेक्शन लेगी तो यहाँ तक आ सकती है, तो एक तो ये है कि मार्केट में भी आपने भेजा है कि मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगी। अब मुझे ये बताया भाई साहब की जो हमारे पास पहले शेयर थे जब हमने ऊपर लिए हुए थे, जैसे NRSL था लिया हुआ था 21 रुपए, कुछ 70-80 रुपए में बाइंग की हुई है, तो अभी वो होल्ड किए हुए बेचे तो नहीं है क्योंकि मार्केट करेक्शन कर रही है, तो क्या नीचे से मजीद ऐड कर सकते हैं उसमें, उसके बारे में थोड़ा मुझे बता दें। जी अफाक भाई, जो आखिरी टाइम क्लोजिंग हुई थी ना मार्केट की, उसने दिखाया था 47,703 का, और मेरे हिसाब से ये इसका बड़ा अच्छा लेवल था, लेकिन जब वो सेटलमेंट हुई तो 100 पॉइंट उन्होंने मार्केट के अंदर से निकाल दिए, और अब मार्केट की क्लोजिंग उन्होंने दिखाई 47,600 के राउंड अबाउट। अब मार्केट जो है ना, अब पहले चल रही थी छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन में, अब ये थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में मार्केट आ गई है ना। जहाँ तक मेरे अपना पर्सनल जो मेरे टेक्निकल्स हैं वो यही कहते हैं कि कम अज कम एक महीना मार्केट अब जो है ना वो इसी तरह रेंज बाउंड पोजिशन पर रहेगी, खुलेगी नहीं मार्केट, जैसे खुल के 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर चाहे, जैसे खुलती है मार्केट अगले दिन फिर 300-400 पॉइंट ऊपर चली जाए। मेरे टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट अभी इसी तरह जो वोलेटाइल सेशन है एक महीने तक कम अज कम आप मार्केट उस फ्रैक्शन में चली गई है ये, जैसे पिछले पूरे 4 दिन हमने मार्केट को इसी तरह देखा, कभी प्लस कभी माइनस छोटे रेंज बाउंड में, और आगे आने वाले दिनों में भी जो मुझे लग रहा है वो ऐसे ही ले रखे मार्केट करेगी कि मार्केट जो 48,900 का हाई बना के अब जो पहुंच गया 47,600 जो एक्सपेक्टेड भी था। और अगर आप मेरे जो रोज के रोज मैं आपको टेक्निकल जो वो भेजता हूँ कि मार्केट का व्यू क्या है कल का, कि नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, तो आप मैक्सिमम यही लेवल देखेंगे 47,600 या 47,500, और कल की एक्सपेक्ट था कि 47,800 से मार्केट नीचे नहीं आएगी, लेकिन मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया नीचे करके। और जो है ना लोग हमारे मेंबर्स कुछ जो है ना जो समझते नहीं है वो ये भी कहते थे कि काजी साहब ऐसे कहते हैं मार्केट इतने नीचे आएगी, तकरीबन 1200 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है ये पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर, इतने मार्केट पॉइंट गिरा चुकी है ये, और अभी भी मार्केट जो है ये खुलेगी नहीं मार्केट मेरे हिसाब से, मार्केट एक महीना, और खासतौर पर अभी जो FATF का जो है वो पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है,
तो कल भी मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए किसी अच्छी न्यूज की जरूरत है, कोई अच्छी न्यूज आ जाए मार्केट के लिए तो एक ट्रिगर होगा मार्केट को, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और जो मार्केट एक नीचे के एक करेक्शन वाले लेवल पर आ गया है वो लेवल टूटे और ऊपर वाले लेवल पर आ जाइए। ऊपर वाले लेवल पहुंचे जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये सारे टाइम फ्रेम की बात होती है ये वाली, ये जब आप मेरा कोर्स करेंगे फिर आपको ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये मैं टाइम फ्रेम की क्या बातें करता हूँ, ये क्या होता है टाइम फ्रेम और ये क्या क्या चीजें होती हैं और करेक्शन कौन से फेज में होती है और ये कितने लंबी चलती है ये वाली। बहरहाल मुख्तसर यही है कि फिलहाल मार्केट जहां पर आ गया है वहां पर, तो अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाए तो एक महीना कम अज कम या 15-20 दिन तो कम अज कम लगेंगे मार्केट को वापिस रिकवर करते हुए, अप ट्रेंड बनाते हुए। अगर मार्केट यहाँ पर रुकती नहीं है, 47,600 का लेवल भी अगर ये मंडे को तोड़ देती है, नीचे आ जाती है इस लेवल से भी, फिर मार्केट 47,000 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी वो वाला लेवल, फिर यानी एक बड़े प्रेक्शन में फिर मार्केट चली जाएगी ये, तो फिर उसको वहां से निकलने में भी उतना बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, एक बात पूछनी थी कि जिस तरह investing.com है वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो पॉइंट बताए जाते हैं और टेक्निकली बताया जाता है कि आप जो इंडिकेट करता है तो वो रिलायबल होता है आपके लिए, आज से उस पर वर्किंग की जा सकती है। थैंक यू सर। जी सर, वो सारी चीजें तो होती है लेकिन अगर आपको तो वो प्रॉपर कोई सिखाए कि कैसे उनको यूज करते हैं फिर तो हो सकता है, अदरवाइज खुद से आप करेंगे तो खुद से तो कोई बंदा उस्ताद नहीं बन सकता ना। बहरहाल एक आइडिया वो आपको दे देते हैं कहाँ पर रेजिस्टेंस है कहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से देख रहे हैं, कौन सा आप किस कौन से दिन की कैंडल देख रहे हैं, डेली की कैंडल देख रहे हैं, घंटे की देख रहे हैं, मिनट की देख रहे हैं, क्या हिसाब किताब है ना। जी आतिफ साहब अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये चाहिए थी कि आप ये बता रहे हैं कि अभी इंडेक्स जो है काफी नीचे आएगा, और फॉर एग्जाम्पल कल आपने कैटलिस्ट बैटरी या नेशनल फूड का जो बताया हुआ है, तो आया कि इंडेक्स नीचे आने से ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये हमें कुछ यानी कि डिस्काउंट प्राइस पे नहीं मिलेंगे, तो हम इनमें इन्वेस्ट करें या ना करें, इस हिसाब से आप थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए थी कि अगर हम। ठीक है मैं समझ गया सर। सर आज भी देखा आपने मार्केट नीचे थी लेकिन एटलस बैटरी आपका पॉजिटिव था, नेशनल फूड को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इन स्टॉक्स ने अभी अपनी अप रैली स्टार्ट नहीं की। मार्केट करेक्शन का फर्क पड़ेगा उन स्टॉक को जिन्होंने अपनी रैली कंप्लीट की हुई है या जो अप ट्रेंड बना चुके हैं पिछले दिनों में, वही आएंगे नीचे, उन्हीं के अंदर करेक्शन जो है वो होनी भी चाहिए और ये हेल्दी करेक्शन है ये। और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस लेवल पर मार्केट खड़ी है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 47,600 का लेवल। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आती है, 200-300 पॉइंट अगर मार्केट तोड़ती है इसको और वापस रिकवर नहीं करती, फिर मार्केट कम से कम 600 पॉइंट आपको मजीद नीचे आती हुई अगले आने वाले दिनों में नजर आएगी, क्योंकि वो बड़े जो है वो करेक्शन मोड में चली जाएगी, फिर वहां पर उसकी सपोर्ट देखनी पड़ेगी कि अब कहां पर सपोर्ट आई है। यहां पर जो करीब करीब मार्केट को जो मुझे सपोर्ट नजर आ रही है वो है 47,100। अगर यहां से मार्केट टूटती है ये अव्वल तो कोशिश करेगी, मेरा जहां तक ख्याल है कि मार्केट अब यहां पर रुकेगी इस लेवल पर और इसी तरह आप यहाँ पर कंसोलिडेट इसको होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट नहीं होती, मजीद सेलिंग प्रेशर इसके अंदर होता है, फिर आपके 500-600 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर से जो है वो निकल जाएंगे ये। और अगर ये 500-600 पॉइंट मार्केट के अंदर से फिर निकल के तो फिर वापस मार्केट को रिकवर करते हुए तकरीबन एक महीने से ज्यादा टाइम लगेगा इसको दोबारा अपनी अप रैली बनाने के लिए ये। और अगर यहीं पर मार्केट रुक जाती है तो 15-20 दिन के बाद आप मार्केट के अंदर एक अच्छी अप रैली जो है वो देख सकते हैं ये। लेकिन जो मुझे लग रहा है अपने हिसाब से, मेरा अपना हिसाब है, आप माने ना माने वो मैं अपना हिसाब देखता हूँ, मुझे कुछ इस तरह लग रहा है कि जुलाई का पूरा महीना मार्केट आपको तंग करेगी अच्छा खासा ये, और जुलाई के बाद जब अगस्त में नया सीजन शुरू होगा, रिजल्ट वाला सीजन शुरू हो जाता है, तो उसमें मार्केट एक रिदम बनाएगी ये, और फिर साथ ही आपका फिर 3 महीने के बाद FATF का फिर आ जाएगा इजलास, और उसमें तो बहुत 100% चांस है कि मार्केट ग्रे लिस्ट से भी जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट रह गया आज जिसकी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम थी मार्केट को, उसको FATF ने आपको निकाला नहीं है, तो 3 महीने बाद वो भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे, फिर मार्केट एक अच्छा रीता बनाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बार बार यही बात कर रहा हूँ कि मार्केट को एक दफा जो है वो थोड़ी करेक्शन लेना बहुत जरूरी है ये, तो मुझे लग रहा है कि एक महीना मार्केट डाइजेस्ट करके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप में से बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सर वैसे ही भाई साहब अपनी तरफ से लगे रहते हैं और आज थोड़े ठंडे भी हुए होंगे जब ये मार्केट ने करेक्शन ली, तो उनको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि जो अभी तक उन स्टॉक के साथ चिपके हुए बैठे हुए हैं कि हमने इंश्योर नहीं बेचना, वेट करेंगे, सफर करेंगे, और वो स्टॉक अब 10-10% 15% नीचे आ चुके हैं, तो अब वो उनको थोड़ा लग रहा है कि जी पहले बेच देते बराबर में तो आप नीचे फिर डिस्काउंट पर आपको वो स्टॉक मिल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर नेशनल फूड आपके पास जो है ये एटलस बैटरी है या गंदारा वगैरह आपके पास मौजूद है या निषाद मिल्स मौजूद है, चाहे बर्जर पेंट आपके पास मौजूद है, सरले आपके पास मौजूद है, अभी तो इन्होंने आप रैली बनाई नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस गिरती हुई मार्केट का। ये जी अली जहाज भाई लाहौर से आपका म्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, हम और बाइकों की बाइंग बनती है जी? जी अली भाई, ये छोटे स्टॉक जितने हैं ना ये सारे इसी जद में आएंगे ना, फिलहाल बाइंग नहीं बनती। अगर मार्केट सेट हो जाती है फिर तो बाइंग हम रिकमेंड करेंगे इनके अंदर, लेकिन अगर ये मार्केट इसी तरह डाल रही तो आपका हम भी जो है वो 7 रुपए तक आ जाएगा ये, और बाइक को दोबारा 9-10 रुपए की रेंज पर आ जाएगा, तो वो लेवल अच्छे होंगे दोबारा बाय करने के लिए। ये जी काशी भट्टी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आज तो माशाल्लाह ट्रेड ने लॉक खोला था तो एक दफा डाला माल नीचे, फिर वापस काट लिया, ठीक है, तो फिर माशाल्लाह सर्किट ब्रेकर लग गया उसे। तो मुझे ना जरा मैं स्केलिंग वाली वीडियो चाह रहा हूँ आपकी, वो स्केलिंग वाली वीडियो मिल जाएगी आपके अंदर इसमें से यूट्यूब से? जी सर मिल जाएगी ना, आप उसमें लिखे उसका टाइटल क्या है वो देखना पड़ेगा, थोड़ी सर्च करें ना तो मिल जाएगी आपकी, उसमें मैंने लिखा हुआ टाइटल ना वो फियर लिखा हुआ है, फियर एंड ग्रीड, आप लिखे ना फियर एंड ग्रीड वाला जो है उसमें मेरा ख्याल है ये टाइटल था उस वीडियो का, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर, बस थोड़ा सा टेक्निकल बता दीजिएगा बस ट्रेड का, बाकी तो सारी मार्केट है सामने ही है, फिलहाल सारी चीजें लॉट ऑफ कर दी है। जी जी, ट्रेड के अंदर फिलहाल आप ट्रेंड मौजूद है, एंजॉय करते रहे। तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब भी जो लॉक वाला आइटम होता है जब उसको लॉक लगता है तो 1 पैसा नीचे करके आपने स्टॉप लॉस सेल लगाना है। अगर वो उसका लॉक टूटा और वो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद आपने क्या करना है अगला काम, उसका फिर अपर लॉक पर स्टॉप लॉस बाय लगा देना है। अगर तो दोबारा उसको अपर लॉक लग गया तो दोबारा भी आपका बाय हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपर लॉक ना लगा और वो नीचे का लॉक लग गया तो वो जो 15% का जो फर्क है ना, जो 15% आपको मिलने थे उसके अंदर से, उससे आप महरूम नहीं रहेंगे। ये तो जितने भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं उनको यही तरीकेकार होता है कि ऐसे जो है ना लॉस भी हमने ज़ाया नहीं करना और पैसे चला के रखना उनके साथ जो है। जी मिर्जा यासिर साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी भाई मैं तो मार्केट को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ पूरे तरीके से। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जिस मार्केट गिरती है ना मैं उसने सही एंजॉय करता हूँ, और मैं तो दुआ करता हूँ कि मार्केट नीचे रहे। आगे जा क्या कर रहा है आप लोगों ने, आपके पास क्वालिटी स्टॉक होंगे 3-4 तो आपको 2-3 स्टॉक आपके लोड्स। अब ये इतने शानदार स्टॉक मूव कर रहे हैं और इनके अंदर जो टारगेट बाइंग है टारगेट सेलिंग है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है। जो आज आपको FFS ने TPL ने ये काजी भाई मुझे नहीं लगता कि ये अचानक शेयर जो आप लोगों ने आपने बेस से मैंने आपके आने पे उठाया था और उसके बाद नीचे गया तो उसको मैंने ठीक ठाक एक्यूमुलेट किया, ठीक ठाक जहां एक्यूमुलेशन मनी मैंने बैक करता गया, जरा एक 1-1.5 रुपए मिला मैंने बेच दिया। वो एक ऐसा जोन बना हुआ है आपको पैसे कमाने का, उससे बेहतरीन जोन जो है ना किसी और स्टॉक में है। ये दो स्टॉक इमेज दे रहा है आपको, जो वेव दे रहा है, जो BGL दे रहा है, इससे ना मुझे कत्तर कोई परवाह नहीं। मार्केट 600 माइनस है, 600 प्लस है, आप अपने जोन में खेलें और मैं बड़ा खुश हूं। मैं जो क्या 600 माइनस हो नीचे आए जरा आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, पैसे रखे हुए बाइंग चेंग करें यार, क्या टेंशन है। और जितने लोग हैं फोन करके परेशान यार मार्केट माइनस होगी, मैं भाई मैं दुआ करता हूँ यार रोजाना मार्केट माइनस में बंद होनी चाहिए। तो सवाल सिर्फ ये दो ही शेयर थे कि बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है इसको वेव्स को, बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है लोड्स को, और बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है इमेज को। तो इमेज की जो आपकी वीडियो थी वो बड़ा काम कर गई, That was the excellent. मैं आपको बताया था काई साहब मैंने छोड़ा नहीं आपको, मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी गिरफ्त में नहीं आ पा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है। देखें मार्केट ने ये आज नहीं कर रही है, कुछ 4 माह से नहीं कर रही है, 8 माह से नहीं कर रही है, जिंदगी गुजर गई है। पाकिस्तान फ्लक्चुएट करता रहेगा, मार्केट फ्लक्चुएट करती रहेगी। 100% इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी, 100% सेलिंग कभी नहीं करनी, इतनी मोटी मोटी बातें लोगों के दिमागों में नहीं घुसती तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब आप मुझे वेव्स का, इमेज का और लोड्स के बारे में अपने कमेंट दे दें, बाकी मैंने अपनी भड़ास निकाल ली। जी
हाँ जी यासिर भाई, मैं बिल्कुल यही तरीकाकार होता है, हाई मार्केट में आप बेचे अपना माल और लो मार्केट में इन स्टॉक पर जिन पर आपकी नजर होती है और आपकी स्टडी होती है ना, तो आप इनको लें और ये बहुत अच्छे स्टॉक है। अब वेव्स कम अज कम जो है अगर 2 महीने में आप देखें तो कम अज कम मेरे हिसाब से 15-20 दफा ये 23-24 तक आया, 26-27 पर फिर जाके फिर वापस रिवर्स कर देता है, 23-24 पर आके 26-27 पर जाके फिर ये इसका, अब जो 23-24 पर बल्क में ले लेता है उसको पता है यहाँ पर लेना है, 26-27 पर बेचना है और बेचने के बाद फिर सबर करना है, फिर नीचे आ जाता है, फिर लेना है, फिर बेचना है, तो उसको क्या टेंशन है ये वाली। यहाँ पर फंसता वही है जो 23 रुपये पर लेकर ये उम्मीद करता है कि वो मैं 35 पर जाके बेचूंगा, इससे पहले पहले तो मैंने बेचना ही कोई नहीं है ना, तो वो फिर मार खाता है। यही चक्कर लोड्स के साथ भी है, यही इमेज के साथ है, वो बार बार करेक्शन करके नीचे आते हैं, आपको मौका देते हैं, ऊपर जाके आप बेचते हैं उसको, और ये आपकी जो स्ट्रेटेजी जो है ये सारे सीख भी रहे होंगे और उनको मजा भी आएगा अगर ये काम करें। अपने मखसूस स्टॉक रखें उनके साथ, आप उनके लेवल बस देखें कहाँ पर वो सपोर्ट लेते हैं और कहाँ पर फिर अप ट्रेंड बनाते हैं, फिर कहाँ पर हमें निकलना है। कैश आपके पास है तो गेम आपके हाथ में है, कैश नहीं है फंसे हुए स्टॉक फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ये सीखे ये तो ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट। और यासिर भाई की बात बिल्कुल सही है, ये सारी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी मार्केट, कभी भी आप नहीं देखेंगे पूरा महीना मार्केट ऊपर चलती रहेगी, पाकिस्तान के रोले कभी भी खत्म नहीं होने और इसी तरह चलते रहेगा, और ये लोग कमाते भी रहेंगे इसी तरह मार्केट से, जिन्होंने कमाना है वो गिरती मार्केट में भी कमा लेते हैं। आज भी लोगों ने कई माल जो है ना वो कमाया नीचे के लेवल पर लेकर ऊपर बेच दिया, कई स्टॉक उनके चले, तो बस यही तरीकेकार होता है। हाँ जी अब्राज साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था आपसे NRSL के बारे में, पिछले 6 महीने में ना मैंने 6-7 स्टॉक लिए जिसमें कौसम है, STPL और ट्रीट है, हम नेटवर्क है, GGL, सर सब में मुझे लॉस हुआ, तो इसमें मुझे लॉस हो रहा है, मैंने नहीं बेचा 21-65 पर ना आपने बताया था, क्योंकि मैंने जो पिछले शेयर बेचे हैं ना मेरे बेचने की देर है वो ऊपर चले जाते हैं, तो ये वापस रिकवर करेगा 22.5 की बाई में मेरी 22-24 की, यहाँ अब ये मसलसल नीचे ही आएगा, क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में? जी सर रिकवर तो करेगा, जब मार्केट बेहतर होगी तो ये भी रिकवर कर जाएगा ना, लेकिन अब इंडेक्स के साथ इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है ये, तो जब इंडेक्स बेहतर होगा तो ये भी बेहतर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको ये पैनिक करेगा, लेकिन अगर होल्ड कर ही रखे तो बेहतर हो जाएगा ये। ये जितने भी स्टॉक आपने बताया ये लॉस वाले स्टॉक नहीं थे, आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, वरना ये सारे स्टॉक से आप पैसा कमा सकते थे ये, और ये आप 4-5 महीने का कह रहे हैं, 4-5 ये सिर्फ 2-3 दिन हुए हमारे थोड़े से स्टॉप लॉस हिट हुए, उससे पहले सारे ग्रीन थे, जो तो स्टॉक हम लेते थे वो प्रॉफिट हमने कमाए उनके अंदर से ये, और अभी आपको बताया क्या है संभाले, ये स्टॉक नीचे आएगा ना रहा 17-18 पर अगर आ जाए तो हम यहाँ पर बाइंग करवाएंगे, फिर ये 25-26 पर जाके हो सकता है हम इसको बेचें या 22-23 पर इसको बेचें ये, तो बहरहाल ये भी होता है। जी रफीक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलामुअलैकुम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाजी साहब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम मार्केट में देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हैं वो उनके मतलब बुरे हालात हैं, जैसे हैस्कोल है और दीवान फारूक है, लेकिन इन शेयरों में और ये दो स्टील है, दो स्टील आज तक कभी चल के ही नहीं दिया जब से मतलब ये चला है, कभी इसके प्रोडक्शन में आ ही नहीं सके, फिर भी इन शेयरों में मतलब लाखों का काम हो रहा होता है, ये क्या कहानी होती है, कोई सट्टा चल रहा होता है, क्या होता है? जी सर जो है जो ना फिलहाल कोई बाहर से तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही ना, सिर्फ ये होता है कि एक हाउस से माल दूसरे हाउस पे जा रहा है, दूसरे से फिर पहले में आ जाता है, इन ब्रोकर्स के तो अपने कमीशन तो लगते कोई नहीं है, ये कमीशन तो ये आप लोगों से लेते हैं ना, अपने तो इनके क्या कमीशन होते हैं, इनके तो कोई कमीशन अपने जो खुद बेचेंगे लेंगे, और एक जो ना आपको दिखा दिया जाता है 700 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, तो किधर 700 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, नजर तो कोई नहीं आया, मार्केट ना ऊपर गई नीचे तो चलो आ गई आज, मगर पिछले दिनों में जो मार्केट का हो रहा था कि वॉल्यूम तो थे नहीं मार्केट के अंदर, और ये कौन से शेयर जो है ये इतने चढ़े या क्या हुआ, ये सिर्फ शोशाबी दिखानी पड़ती है, और ऐसा ही इन स्टॉक्स के अंदर काम किया जाता है, और आप लोगों को एक अट्रैक्शन ट्रैपिंग की भी आपको बताया जाता है कि ये ट्रैप ये देखो जी कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और उधर से खबरें भी चलाई जाती हैं जी स्कोर चढ़ने वाला है, ये चलने वाला है, ये इधर तक चला जाएगा, ये इसकी खबरें आ रही हैं फलाने शेयर की इधर तक चला जाएगा, BGL जो है वो 26 रुपये का हो जाएगा, फ्लाइंग पता नहीं 40 का हो जाएगा, DOL पता नहीं 35 का हो जाएगा, इसकी खबरें चल, मुझे नहीं पता लगता कि ये कौन सी खबरें होती हैं जो मुझे नजर नहीं आती, टेक्निकली तो मुझे नजर नहीं आ रहा होता कि इनकी कोई पोजीशन यहाँ तक जानी होती है ना, लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया पर खबरें आप लोगों में से लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि इसकी खबर है कि जी ये इधर तक जाएगा, ये फौजी फूड की खबर है कि 80 रुपये तक जाएगा, किधर खबर, ये कौन सी खबरें होती है जो आपको पहुँचती है जो मुझे नहीं पहुँचती ये वाली,
मेरे जितने भी टेक्निकल्स हैं या फंडामेंटल्स हैं वो मुझे नहीं बता रहे होते कि ये इसका फिलहाल कोई चांस है जाने का, लेकिन आप लोगों को सोशल मीडिया की खबरें आ जाती हैं और फिर एकदम से वॉल्यूम भी बनना शुरू हो जाते हैं, और वो वॉल्यूम जो होते हैं ना तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, वक्ती लेके जाते हैं, ऊपर दो दिन बाद पता चलता है उसके अंदर से हवा निकल गई, वही स्टॉक नीचे आ गया ये वाला। ये तो ये बात का ट्रैपिंग भी होती है, इसको मैनिपुलेशन तो हम नहीं कह सकते, बहरहाल ट्रैपिंग होती है और ये मार्केट फंसाती है आप लोगों को, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मैक्सिमम लोग फंसे हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, आप में से भी बहुत से लोग अगर फंसे हुए ना होते तो मुझे तो मेरा ग्रुप पे कभी आप ज्वाइन भी ना करते, ना देखते भी ना मेरे ग्रुप की तरफ। तो बहरहाल कोशिश यही है कि आप लोगों को निकाला जाए और ये चीजें सिखाई जाए ना। गुलरेज अख्तर साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अच्छा, इस तरह के मेरे तो काफी सारे मेरे स्टॉक नहीं है, लेकिन तीन मेरे ऐसे हैं कि जो 10-12% लॉस में है, जिसमें TRG, नेट सोल और होंडा का। तो इसका दो की मैं बात करूं, TRG और नेट सोल क्या इसमें से मैं ऑफ करके, तो किसी जिस तरह आपने एटलस बैटरी बताया हीनो है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकती है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे स्टॉक है ये वाले, बल्कि TRG नेट सोल को बेच कर ना होंडा कार में डाल देगी। होंडा कार जो है ये इतना जबरदस्त स्टॉक है कि मैं इसकी क्या तारीफें करूँ ये वाली। फिर आप कहेंगे पता नहीं कंपनी वाले मुझे कोई पैसे देते हैं कि मैं इनकी तारीफें करता हूँ, कोई इनकी तारीफें जो है मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, जो स्टॉक अच्छा है उसकी मैं बहुत तारीफ करूंगा। ये होंडा कार जो है अगर मोटा मोटा भी इसका हिसाब लगाया जाए तो ये 920 रुपये से जो है जो 2017 में ये 920 रुपये से नीचे आया और ये पहुंच गया था आपके जी अल्लाह खैर करे 15 अक्टूबर 2018 को। इसकी पूरी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, करेक्शन के बाद अगला फेज शुरू हो जाता है जी कंसोलिडेशन वाला फेज। तो 15 अक्टूबर 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक अपना ये कंसोलिडेशन फेज जो है वो कंप्लीट कर रहा है और इसकी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसकी कंसोलिडेशन की हमें कंफर्मेशन तब हुई थी जब इसने 368 रुपये का ब्रेकआउट दिया था ये वाला। तो अगर आप मेरी माने तो ये नेट सोल और TRG के चक्रों से निकल कर और बाकी भी अगर कोई लॉस वाले स्टॉक है उसे भी जान छुड़ा कर सारा पैसा इस जो है ना होंडा कार के अंदर डाल दें और कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल भी छेड़ा छेड़ी ना करें इसके साथ। और जब ये 600-700 पर पहुंच जाएगा वहां पर फिर आप उससे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं इसका। ये होंडा कार, ये सारे जितने भी ऑटो सेक्टर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप देखेंगे कि अगस्त में जब इनके रिजल्ट आएंगे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे इन पर, बड़ी गाड़ियों पर भी यार टैक्स इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट अभी खबर चल रही थी, पहले वो 800 cc पर खत्म किया था, आज ही मैं कोई खबर सुन रहा देख रहा था कहीं 1000 cc वाली गाड़ियों पर भी उन्होंने टैक्स को और कम कर दिया। ये जितने गाड़ियों पर टैक्स खत्म होंगे, वैसे भी ये गाड़ियां कौन सी पाकिस्तान के बाहर की कंपनी है, ये दुनिया में इनकी गाड़ियां चल रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान में अगर इनकी सेल थोड़ी कम भी हो जाती है, दुनिया में इनकी सेलें चल रही है। और होंडा तो वैसे भी एक बड़ा नाम है, होंडा में तो होंडा ही लैसा, चाहे होंडा कार हो चाहे होंडा मोटरसाइकिल हो ये वाला ना, तो ये बहुत अच्छे स्टॉक है। और ये TRG नेट सोल को इससे जान छुड़ाई ये वाली, इन्होंने अप ट्रेंड मुकम्मल कर चुके हैं। वो नेट सोल TRG जिन्होंने 40-50 रुपये के लिए हुए थे वो ठीक रह गए बस, अब जो ऊपर के लेवल पर लेंगे वो सिर्फ ट्रैप होंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इनके अंदर ये वाला ना। जी जिशान साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तीन शेयर के बारे में पूछना था, यूनिटी। जी म्यूट हो गए आप, जिशान भी दोबारा करें अनम्यूट। यूनिटी, PIBTL और AVN। आज यूनिटी जो है नेगेटिव मार्केट के बावजूद भी सस्टेन रहा है, तो इसमें कुछ है पॉसिबिलिटी के इसमें एंट्री करें इन तीनों शेयर में? जी सर, अभी यूनिटी जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, क्योंकि ये भी कहीं नीचे से ऊपर गया ना, 250 रुपये से ये चला था और 50 रुपये का हाई बनाया, फिर आप थोड़ी सी करेक्शन हुई इसके अंदर और फिर आप थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, फिर इसके बाद ये चलेगा ऐसा ऐसा ना। तो बेहतर यह है कि यूनिटी और PIBTL को छोड़कर AVN बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, उसके अंदर डाल दें क्योंकि वो अपने आप बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे AVN एकदम ट्रीट की तरह ये भी तेज हो जाएगा, किसी भी टाइम लगेगा इसको ये। जी ख्वाजा माजी साहब सर, आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे पास मेपल लीफ सीमेंट था, आज उसमें मैंने और कुछ थोड़ा सा खरीदा है और अमरेली स्टील पड़ा हुआ है। तो दूसरा ट्रीट के बारे में पूछना था, आज मैंने वो आपके उसी तरीके के मुताबिक अपर लॉक जब उसने लगाया तो फिर मैंने नीचे उसको स्टॉप लॉस लगा दिया, वो हिट हो गया। तो दोबारा वो अपर बाय पे लगाया तो वो हिट नहीं हुआ, तो क्या इसमें मंडे को फिर एंट्री ली जा सकती है? जी जी ख्वाजा साहब, ट्रीट आप थोड़ी सी जहाँ पर कंसोलिडेशन करें, ये तो अपनी करेक्शन करेगा ना पहले,
जहां पर ये करेक्शन करेगा एक 2-3 रुपए नीचे इसको बनते हैं यहाँ पर, फिर वहां पर ये थोड़ी सी डाइजेस्टिंग करेगा, तो जहां पर डाइजेस्टिंग करेगा वहां पर फिर आपने ले लेने इसको, थोड़े से ज्यादा नहीं लेने क्योंकि आप जो है वो काफी ऊपर चला गया, आप ज्यादा एंट्री नहीं ले रही इसके अंदर। जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया है वो तो रिस्क ले सकते हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लेना है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ना उनके लिए। बाकी मैपल लीफ अमरेली अच्छे स्टॉक है, बहुत अच्छे स्टॉक है, लेकिन सिर्फ इनका मसला ये है कि मैक्सिमम लोगों की नजर इन स्टॉक के ऊपर मौजूद है ये, और ये जरा चलेंगे, जरा मुश्किल से चलेंगे चलेंगे लेकिन जरा भारी जो है वो जो है ना वॉल्यूम के साथ ये चलेंगे ऊपर, और इनसे जो हल्के स्टॉक है ना वो अगर ले लें वो ज्यादा बेहतर है ये। मसला मैपल लीफ सीमेंट की जगह आप ले लें, गरीब बाल सीमेंट ले लें, उसके बराबर बराबर का ही है, वो हल्का स्टॉक है, उसको चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, फौरन फौरन चलना शुरू हो जाएगा ये। और इसी तरह अमरेली स्टील की जगह आप मुगल स्टील ले रहे हैं, वो जरा हल्का स्टॉक है अमरेली की नस्बत, या इंटरनेशनल स्टील है वो भी हल्का स्टॉक है ये। तो अमरेली पर बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसको चलाने में जरा इनको जरा प्रॉब्लम होगी बड़े प्लेयर्स को, कि इसको जरा क्योंकि हर लोगों की जो है ना नज़र इस अमरेली और मैपल लीफ के ऊपर जो मौजूद है, तब ये अभी तक चल नहीं पा रही है, और बाकी इसके साथ वाले ऑलमोस्ट चल पड़े हैं ना। जी ज़ुबैर अली साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं, ज़ुबैर अली साहब, मोहम्मद मुजम्मिल साहब है सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अच्छा काजी मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, मेरा तीसरा दिन है आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब मैं एक इनिशियल इन्वेस्टर हूँ जिसमें मैंने 500,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें मेरे आधे जो है ISL के हैं 100.70 से। तो सर आप इस मुझे क्या रिकमेंड करते हैं कि ISL में लॉस में बेच के कुछ किसी और जगह पे एंट्री कर लूं? ISL है और दूसरा कौन सा है? जी अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया आप। जी जी मुजम्मिल साहब जो ISL की बात कर रहे हैं ना इंटरनेशनल स्टील, वो अच्छा स्टॉक है ये, वो हल्का स्टॉक भी है, वो निकल जाएगा ये, इसको ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये। अभी ये चल रहा है तकरीबन 95 का, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है क्योंकि ये नीचे से चला है ना, 30 मार्च 2020 से ये चलना शुरू हुआ था और इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 102 रुपए का। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी करेक्शन करेगा अपनी और ये कर ही रहा है कंसोलिडेशन, और जो ये 102 रुपए 56 पैसे का ब्रेकआउट अच्छा सा देगा और फिर बड़े आराम स्कूल से ये पहुंच जाएगा 125-30 रुपए के रेट पर, इंशाल्लाह ये निकल जाएगा स्टॉक, आप इसकी टेंशन ना लें और इसको रखें स्टॉक को इंटरनेशनल स्टील की अगर आप बात करें ना। जी तला फरीद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सारे मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हो? जी जी सर मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ हिनो को, जैसा आपको पता है कि वो लॉक पे लॉक दे रहा है। सर आपसे पूछना भी ये था कि हिनो की अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो सर वो ऐसे ही अपना जो है ना स्मार्टली प्ले करता है कि बैक टू बैक जो है ना वो लॉक लगाता है और ऊपर जाता है और बैक टू बैक नीचे भी आता है कंसिस्टेंट लॉक लगा के। तो सर आप हिनो को आप कैसे देख रहे हैं कि हिनो अभी उसमें और स्केलिंग की जाए? मैंने लिया हुआ पहले भी 3-4 हज़ार स्टॉक है मेरे पास, या अभी वेट किया जाए? जी कला भाई तरीकाकार वो मैंने आपको बताया ना, अगर कहीं पर आपको लगे ना कि इसका जो है ना ये नीचे आने लगा है या नीचे आ जाएगा और एकदम नीचे आएगा, तो पहले ये अप ट्रेंड में जाएगा और फिर उसके बाद यदि आ तो अपर लॉक लगाएगा, फिर तोड़ेगा अपने अपर लॉक को और फिर एकदम से नीचे लोअर लॉक पर आ जाएगा, ये इसका तरीकाकार होगा ये वाला। तो इसके लिए सेम साइड ही हो, देखे जब स्टॉक अपर लॉक बना दे या आप देखें कि 30-35 रुपये ऊपर ओपन हुआ हुआ है, तो कम से कम 20 रुपए के हिसाब से जो है ना आप स्टॉप लॉस लगाएं, और ये बड़ा स्टॉक है ना तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, कम से कम 5 रुपए के गैप के साथ स्टॉप लॉस इसका रखना पड़ेगा, ताकि अगर ये नीचे आ जाता है तेजी के साथ तो वो आपका स्टॉप लॉस है वो उसको हिट करके जाए, बगैर हिट हुए नीचे ना चला जाइए, फिर ये हो सकता है नीचे के लॉक पर आ जाए, फिर एक दो लॉक अगर उसे नीचे बनाए तो वो काफी डिफरेंस आ जाएगा आपके प्रॉफिट में ना। तो इसका ये तरीकेकार होता है ये, जैसे भी स्टॉक ऊपर फिर ये नीचे आ गया, ऐसा नहीं होगा ये बहुत नीचे आ जाएगा, ये अगर 200 रुपये ऊपर गया तो 50 रुपये नीचे आएगा, जो 50 रुपये नीचे आएगा वहां पर फिर वही बात हो रही है, बार बार वो उसको डाइजेस्ट करेगा, थोड़ा महीने का टाइम लगा देगा, 20 दिन रुकेगा वहां पर, फिर कई महीने के बाद अपनी दोबारा अप ट्रेंड की एक रैली बनाएगा ये वाली, और फिर चलता जाएगा ये ऐसा, और ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये हिनो जो है, ये जैसे मैं बार बार कहता हूँ ये 1800 रुपये से नीचे आया, वापिस चला भी जाएगा 1800 तक, आप देखेंगे ऑटो सेक्टर है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, यानी कि 1-2 साल लग जाएंगे 1800 तक जाते हुए इसको, लेकिन घिस के जो है वो टाइम टू टाइम ऐसे निकलता जाएगा ये वाला स्टॉक, लेकिन स्टॉप लॉस आप अपना रखें उसमें, उसको इग्नोर ना करें, फिर इसमें दोबारा फिर एंट्री लें, इसके साथ ऐसे चलते जाएंगे तरीके के साथ तो बेहतर रहेगा ये।
जहां पर कहीं आपको लगे ना कि बहुत डर लग रहा है कि मेरा बहुत प्रॉफिट कहीं जाया ना हो जाए, तो आप अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बेच दे, जो प्रॉफिट रह जाएगा वो वाले स्टॉक रखी रखें, उसको ना छेड़े, क्योंकि वो तो आपके प्रॉफिट वाले थे ना, और इन्वेस्टमेंट तो आपकी बाहर आ गई, आपका कम से कम 390 का जिसने लिया 200 रुपए का तो प्रॉफिट उसने दे दिया ना, तो इसका मतलब ये कि कम से कम आपको उसने ऑलमोस्ट मोर देन 50% का प्रॉफिट दे चुका है वो। आप 50% के स्टॉक रहने दें, बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक निकाल दें, अगर आपको लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए उस इन्वेस्टमेंट से कोई और स्टॉक की नजर रख लें, लेकिन इसका पैसा फिर वो वाला प्रॉफिट वाला पैसा इसको बिल्कुल भी ना छेड़े, बेशक नीचे 300 पर आए या ऊपर चला जाए 1800 तक, इसको फिर छेड़े ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो आपने एक्स्ट्रा पैसों से लिया हुआ है ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी रियाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी दोबारा जरा करें अनम्यूट। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो मैंने आज क्या मैंने WTL में एंट्री ली थी, आज 1370 पे मैं जो लग रहा था, जो इतना नीचे आ गया था कल उस पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये WTL इस किस्म के स्टॉक जो है ये मार्केट से इनका कोई रिलेशन होता है कि मार्केट इतनी जब डाउन हो गई तो ये ऊपर चला गया, थोड़ी इसकी स्ट्रेटजी बताएं। और अब मार्केट को अब क्या देखते हैं, क्योंकि आज मार्केट ने डाउन टर्न लिया तो नेक्स्ट वीक ऊपर जाएगी दोबारा। जी रियाज भाई, मार्केट पर मैं काफी लंबी तकरीर काट चुका हूँ ना, वो अगर आपने नहीं सुनी तो वो यूट्यूब पर आप सुन लेना उसको ना। बाकी आज जो है ना WTL के अंदर तेजी तो देखी थी ना, ये भी थोड़ा टेक्निकल था ना, अगर आप वॉल्यूम्स को देखें ना कि जिस टाइम इसके वॉल्यूम बने ना उसी टाइम एस्कोल के वॉल्यूम डाउन हुए। आज वो एस्कोल की खबर भी बाद में आ गई कि ये डिफॉल्टर लिस्ट में जब वो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई अपनी एनुअल मीटिंग की नहीं है, इस तरह की खबरें मार्केट में गर्दिश करना शुरू होगी, लोगों ने अपना एस्कोल का माल बेचा और उधर से WTL के अंदर वॉल्यूम जब वो जनरेट होना शुरू हो गए, तो ऐसा लगा कि एस्कोल का पैसा WTL के अंदर जब वो जाना शुरू हो गया। ये कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ ये, कि उसी टाइम आप देखें जहां पर ये एस्कोल के अंदर एकदम सेलिंग शुरू हुई, वहां पर WTL के अंदर एकदम जो है ना वो बाइंग शुरू होगी ये वाली। तो मुझे तो ऐसा लगा कि लोगों ने एस्कोल का पैसा उठाया और WTL के अंदर जब वो ले लिया। अब बहरहाल आपकी स्ट्रेटजी भी ठीक है कि आपने वो 3.70 रुपए पर लिया और 4 रुपए के करीब जब पहुंचा, जब आपको 7-8% का प्रॉफिट नजर आया ब्रोकर कमीशन निकाल के, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, फिर नीचे आएगा तो फिर ले लेंगे, 4.75 पर जाए तो फिर उसको बेच दें, ऐसा भी आप लोग ये कर सकते हैं और इसके अंदर ये भी काम करें तो बुरा नहीं है। लेकिन WTL का पैसा भी WTL के अंदर ही रखें, फिर ये ना हो कि इधर से प्रॉफिट लिया और वक्ती फिर आप कहें मैं इसका पैसा कहीं और लगा दूँ, फिर कहीं WTL फिर थोड़ा तेज हो गया तो फिर आपका पैसा उधर से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ऐसे होगा ये। जी बिलाल गौरी सब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बिलाल गोरी साहब, काजी साहब ये लिया नहीं अभी, लेने का मतलब सोच रहे थे जी, मतलब जी, आज मार्केट भी गिरी है, ये इतना नहीं इसमें कोई इतना फर्क पड़ा इसको जी बिलाल भाई, अभी ये इसमें मेरा ख्याल है ये अपना एक छोटा ब्रेकआउट जो है ना ANL ने दिया ना अभी पिछले दिनों, एक दो दिन पहले ये तेज हुआ होता, इसने एक छोटा सा अपना ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट था तकरीबन 35.25 रुपए का ब्रेकआउट वो दिया, लेकिन देने के बाद अब फिर वो ऐसा ऐसा नीचे आ गया क्योंकि मार्केट इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर तो इंडेक्स इसको सपोर्ट करे फिर तो ठीक है, अगर मार्केट इसी तरह रहती है फिर आप इसके अंदर एंट्री ना लें। हाँ अगर ये नीचे आ जाए तकरीबन 30-31 रुपए के दरमियान फिर वहां पर ये लेना पड़ता है, जहां पर यहाँ पर पहुंचे तो एक दफा फिर पूछ लें मुझसे ये। हाँ जी अदनान वहीद साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल का सब, खैरियत से? अच्छा एक तो मेरा मार्केट के मुतालिक सवाल था, आप अभी जस्ट मैंने सुना कि आप पहले बता चुके हैं, अगर बता चुके होंगे तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, अगर क्वेश्चन डिफरेंट हुआ तो आंसर कर दीजिएगा। मार्केट ये कि आज क्या आखिरी दिन होगा रोल ओवर का, कि ये कबाहते अगले वीक भी चल रही होंगी जिसमें अचानक प्रेशर आ जाएगा, और हमने आपसे ना खाली स्क्रिप्ट भी मार्केट भी सीखनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर हम करेंगे आपसे ना। दूसरा ये कि ये क्या असद उमर की जो खबर आई थी कि फोर्थ वेव आ रही है उसकी वजह से भी पैनिक क्रिएट हुई है, या किस वजह से पैनिक क्रिएट हुई है, या सेकेंड हाफ के बाद किसी वक्त पैनिक क्रिएट हुई है? पहला तो बहुत हाफ अच्छा और हरा भरा चल रहा था, दूसरा जो है मिक्स चल रहा था। अच्छा स्क्रिप्ट के सवाल हैं कि अल्लाह का शुक्र है MACFL जो मैकपैक फिल्म है, कल मैं आपसे पूछ रहा था, आज आपने उसकी बाय कॉल दे दी है, तो आप
एक्सपेक्टेशन क्या है इंशाल्लाह ताला कहाँ तक जाएगा, और दूसरा वेव्स के मुतालिक था कि ना मैं मिस कर गया हूँ आपका स्टार्ट में ना, आपने ना सेल रेट बताया था 26, उस वक्त मैंने 80% उससे सेल कर दिया था, 10% रह गया था, आपने बोला था वो भी सेल नहीं करना था शायद आपकी उसके बाद आई थी इसको और बाय कर लें इस तरीके से। तो वेव्स का सवाल ये है कि उसको और ऐड करने हो तो अब ट्रेन निकल गई है कि अभी भी टाइम है, इन सवाल का जवाब दे दीजिए, थैंक यू सो मच। जी इमरान भाई, जो वेव्स है ना वो बेहतर स्टॉक है और उसको अभी भी हमने रखा हुआ, जो 27 रुपए का हमने बाय करवाया था वो अभी भी आज भी तेज हो रहा था, सिर्फ मार्केट थोड़ा सा वेव्स को सपोर्ट करे वेव्स निकल जाएगा ये वाला, जिसके पास वेव्स है या नीचे के लेवल पर लिया हुआ है वो इसको एंजॉय करे, अगर नीचे आ जाए 2324 रुपए पर ले इसको, 26, 27, 28 पर कहीं पहुंचे प्रॉफिट टेकिंग करने फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर इस तरह आप कर सकते हैं। और कोई इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो अभी ये बुरा स्टॉक नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई अगर इसको 6 महीने साल के लिए रखना चाहिए इस लेवल पर लेकर तो इंशाल्लाह आपको 6 महीने में ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ये गर्मियों में इनके अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं ये, और रिजल्ट से पहले ये तेज हो जाएगा। और जो मैक पैक जो आपको बताया वो उसकी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, मेरे हिसाब से तो वो बाइंग जोन से ऊपर निकल गया था, बाय नहीं होगा आप लोगों का, जो मैंने लेवल बताया था उससे ऊपर निकल गया, बहरहाल वो स्टॉक अच्छा है ये, आप इसको रखें इंशाल्लाह आपको ये फायदा देगा ये। बाकी मार्केट जो है ना, मार्केट को जो टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊँ ना मार्केट का, आपने देखना है फरवरी से लेकर मार्च का महीना, ये जो अभी ये पीछे गुजर चुके हैं, ये 17 फरवरी से लेकर 17 मार्च का भी मैंने थोड़ी सी तकरीर की थी इसके बारे में ना, अब ये जो एक महीने का टाइम था मार्केट 47,000 पर थी फरवरी के महीने में, और मार्च के महीने में 17 मार्च को मार्केट थी 42,000 के लेवल पर, कहाँ पर 47,000 कहाँ पर 42,000, 5,000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई थी, तो आप लोगों ने अपना माल बेच दिया सब कुछ नीचे आ गया, अब लोगों ने वहां पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने माल उठाया 42,000 से, उन्होंने माल इकट्ठा करना शुरू किया और इकट्ठा करते करते 42,000 से मार्केट को लेके चले गए 48,900 पर, कम से कम 6,000 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, ये 6,000 से भी ऊपर लगता है ये जो अगर आप प्रॉपर इसको मैं कैलकुलेट करूँ ये। अब उनका इंतजार क्या था, उनका इंतजार ये था कि बजट, उनको तो पहले पता होता है कि बजट में अच्छी खबरें आएंगी और बड़ी रैली जो आप लोग सुनेंगे और बड़ा जो है ना कहेंगे कि बड़ी मार्केट ऊपर जा रही है, बड़ा मार्केट जबरदस्त हो गया है। अब क्या हुआ जी, बजट जून ही आया, उसमें बजट में बड़ी अच्छी खबरें थी, इसको बड़ा वेलकम किया गया और एकदम से मार्केट को उठाया गया ये। तो अब मार्केट को उठाने का मतलब ये था कि आप लोग जो है जो छोटे छोटे जो है वो फौरन माल लेना शुरू कर दें जी, बड़ा मार्केट आप ऊपर चली जाएगी, सोशल मीडिया पर भी खबरें आई, आप मार्केट के अंदर आप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मार्केट 50,000 को भी क्रॉस करेगी तो ये हो जाएगा, तो बड़े टैक्स रिलीफ हो गया और ये बजट टैक्स जो है ना मार्केट का बजट था, तो इस तरह की आपने बहुत सी खबरें सुनी, ये खबरें जो है उन लोगों को पहले से ही पता थी कि ये खबरें आनी है, उन्होंने नीचे माल उठाया हुआ था तो उन्होंने यहाँ इस लेवल पर माल बेचना था, प्रॉफिट टेकिंग उन्होंने करनी थी और भरपूर तरीके से उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, ये भरपूर तरीके से ठीक है उन्होंने अपना माल बेचा, जो ही उन्होंने माल बेचना शुरू किया तो हमने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन ड्यू होगी है कि आप यहाँ पर मार्केट करेक्शन लेने के बिल्कुल मूड में, लेकिन अभी तक आप में से बहुत से लोग सीरियस ही नहीं हुए कि जी काई साहब तो वैसी बातें करते हैं कि ये जी मार्केट की तरफ करेक्शन लेगी ये, तो जो उन्होंने 6,000 पॉइंट का माल उठाया ना तो अब उन्होंने माल बेचा ना, आज भी ठीक ठाक माल उन्होंने आखिरी टाइम तो बहुत बेचा माल उन्होंने और आगे भी अभी बेचेंगे, अभी माल उनका खत्म नहीं हुआ, ये जो वॉल्यूम जनरेट हुए थे जो 3 महीने में मार्च से लेकर अभी यकम यानी 12 जून ये बजट आया था, बजट वाले 3 दिन तक जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ हुआ था अभी वो वॉल्यूम कम नहीं हुआ, बहुत अभी रहता है, अभी माल निकालना रहता है और वही स्टॉक वो क्यों माल अपना बेचते हैं, वो इसलिए माल बेचते हैं कि स्टॉक नीचे आएंगे तो डिस्काउंट पर फिर मिल जाएंगे उनको ये माल, सस्ता मिल जाएगा ये वाला, आप लोग तो नहीं बेच रहे, आप लोगों ने तो वो अपने गले के साथ लगा लिया जी हम तो नहीं बेचते हम सबर कर लेंगे, तो आप सबर करते रहे वो सारा माल नीचे आ जाएगा और जब बहुत नीचे आ जाएगा फिर आप कहेंगे यार मैं इसको बेच ही दूं ये वाला, और फिर जब उनको लगेगा कि आपने अभी तक अपना माल छोड़ा कोई नहीं है और नीचे भी आ गया तो फिर भी आप अपना माल नहीं छोड़े, फिर वो उन स्टॉक को छेड़ेंगे ही नहीं, वो स्टॉक नीचे ही रहेंगे, वो नए स्टॉक ढूंढ लेंगे, ये उन नए स्टॉक को जब वो चलाएंगे ऊपर वो आपके सामने वो स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार ये तो मैं इसमें फंस गया हूँ, मेरे तो स्टॉक चल नहीं रहे और बाकी साथ वाले स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, मार्केट बेहतर हो रही है तो मैं इधर फंसा रह गया हूँ, आप इतनी देर में आप इन स्टॉक को बेच कर जब उधर जाएंगे तो उनका भी आप ट्रेंड खत्म हो चुका होगा, ये जितनी देर में आप फैसला करेंगे ना, तो ये सारी ट्रैपिंग होती है मार्केट के अंदर और ये 10-10, 15-15 साल गुजरने के बाद भी आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आती और वही मिस्टेक आप बार बार करते हैं, इंडेक्स ऊपर जाएगा एक ही गिला रहेगा, मेरे स्टॉक तो ऊपर नहीं चल रहे, जिस तरह नीचे आए थे अब उसको उस तरह ऊपर भी जाना चाहिए,
बाकी सारे स्टॉक चल रहे हैं, ये गिला सारे लोगों का होता है कि मार्केट आप बेहतर हो रही है तो मेरे स्टॉक क्यों नहीं चल रहे, तो वो क्यों नहीं चल रहे, इसीलिए चल रहे कि उन्होंने तो आपको फंसाया इन स्टॉक के अंदर, ये उस टाइम आपने छोड़ा नहीं है माल, और आप जो है आपको फिक्र लग गया है, उस टाइम आपने फिक्र नहीं की, आप फिक्र लग गया तो आप क्यों फिक्र करें, आप चिपके रहे उस स्टॉक के साथ, दो दो साल लगे रहे उन स्टॉक को जेब के साथ, अपने सीने के साथ लगा के रखें, दो साल के बाद जब वो चलेंगे तो फिर आप इंजॉय करना ये। हाँ जी आसिफ सुन लो सब, सर आप अनम्यूट करो। मैं सर सबको सलाम वालेकुम सर। सर आपसे दो तीन सवाल हैं, एक सवाल ये कि रोल ओवर जो है उसको एक्सटेंड करके 3 महीने कर दिया, अगर सर ये जो है मैंने 3 महीने कर दिया है तो इसका इम्पेक्ट जो है मार्केट पे क्या पड़ेगा, और दूसरी बात क्या कि आपने कभी भी जो है हमें मैंने रिकमेंडेशन नहीं दी कि आप भी जो है ये फ्यूचर पे काम करें, अगर सर बेहतर है तो इसका मतलब कि आप प्लीज़ एक वीडियो ज़रूर बताइएगा, और एक दो शेयर हैं सर मैं उसमें जो है थोड़ा स्ट्रक हो गया हूँ, एक है मतलब के इलेक्ट्रिक, इसको मतलब कि आप क्या देखते हैं कि मतलब कि ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ क्योंकि इसमें अच्छा वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा, तो अक्यूमुलेट हो रहा है क्या हो रहा है सर, इसका थोड़ा प्लीज मुझे बता दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। जी आसिफ भाई, जो के इलेक्ट्रिक है ना वो असल में उसका फ्लोट बहुत ज़्यादा ये वाला मार्केट फ्लोट जिसका बहुत ज़्यादा होना वो स्टॉक का चलने के बहुत कम चांस होते हैं, ये आटे में नमक के बराबर उनके चलने के चांस होते हैं, तो के इलेक्ट्रिक का भी यही मसला है, इसका फ्लोट बहुत ज़्यादा है, वक्ती किसी तरीके से उन्होंने इसको चला के वॉल्यूम जनरेट कर दिए और आपको शो कर दिया कि बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर पिछले दिनों आया था, और फिर एकदम उसके अंदर से गुब्बारे में से हवा निकल गई, उसी टाइम आपको निकलना बनता था, और यहाँ पर यकीन करें कि एक बंदे का मुझे मैसेज आया जो मेरा मेंबर नहीं था, वैसे उसने मैसेज किया जो है ना, जहर पता है सड़े हुए लोग भी होते हैं ना, पहले तो उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैं पता नहीं डॉक्टर हूँ तो पता नहीं क्या हूँ, और ग्रुप के बारे में उसने पूछा, और फिर जब मैंने के इलेक्ट्रिक आपको बाय करवाया था आपको याद होगा 4.5 रुपए के करीब करीब या 4.60 रुपए के करीब करीब, फिर साथ ही मैंने अगले दिन आपको निकलवा दिया उसके अंदर से, जब मैंने देखा कि इसके अंदर दम खत्म हो गया है, आपको 4.50 रुपए 5-10 रुपए के लॉस से मैंने आपको, आपके पास मैसेज सेव होंगे मेरे, आप देख लें के इलेक्ट्रिक से मैंने आपकी जान छुड़ा दी, उस बंदे का मुझे मैसेज है, बात है आप लोग लीक भी करते हैं मेरे मैसेजेस, उसको किसी ने बताया कि जी काजी साहब ने क्या इलेक्ट्रिक बाय करवाया था आप निकाल दिया, आप उसने मुझे मैसेज करके वो क्या कहता है कि जी आपने जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो पहले बाय करवाया और फिर सेल इसलिए करवाया कि ब्रोकर को कमीशन चला जाइए वाला, इस तरह का उसने मैसेज किया, मैंने तो उल्टा उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसे मैसेजेस को तो मैं ब्लॉक लगा के वो नंबर डिलीट कर देता हूँ ना, अब वही जिसने 4.5 रुपए पर निकल गया के इलेक्ट्रिक के अंदर से, और वही के इलेक्ट्रिक आज 4.10 रुपए के करीब घूम रहा है ये वाला, कितना बड़ा लॉस है, अगर किसी ने उस टाइम 4-5 लाख या 2 लाख किसी ने शेयर उठाए उनको एक बड़ा लॉस उनको शो हो रहा होगा के इलेक्ट्रिक के अंदर, ये तो वो लॉस ज्यादा यानी कि पैनिक का या वो जो 5-6 पैसों के साथ आप निकल गए थे जान छूट गई थी तो आप जो है वो ज्यादा फायदे में रह गए, कम से कम पैसा तो आपका सेव हो गया ना, यानी लोगों की मेंटेलिटी भी जो है वो अजीबो गरीब, अब आपके ब्रोकर को पैसा जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा ये वाला कि ब्रोकर क्या मुझे जो उसका कमीशन जाएगा उसने कोई मुझे देने आपके पैसे या मेरा कोई बनना है उसमें, तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि आपको किसी तरीके से बाजू से पकड़ कर खींच के निकाल दूं मैं उस स्टॉक के अंदर से जहां पर मुझे लगे कि यहां पर आपको फंसाने जा रहे, हर मेरी मुमकिन कोशिश होती है कि आपको निकालें कि उस स्टॉक से आप निकल जाए, कम से कम आप उसके अंदर फंसे ना उस स्टॉक के अंदर ये, लेकिन ये चीज़ें समझते भी बहुत कम लोग हैं, जो समझते हैं वो तो निकल जाते हैं, वो कहते हैं वक्ती लॉस है, लेकिन इन फ्यूचर वो जिन्होंने के इलेक्ट्रिक से बाहर निकाला आज वो खुश होंगे, तो शुक्र है के इलेक्ट्रिक से हमने उस टाइम बेच दिया था, चलो थोड़ा बहुत लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम निकल आए, और जो अभी भी लगे रहे कि जी ये ऊपर जाएगा तो हम जो है इसको होल्ड करके रखेंगे बेहतर हो जाएगा, काजी साहब वैसे ही जो माल बिचवाते रहते हैं, तो अब वो माल बिचवाना वो देख लें फिर के इलेक्ट्रिक के साथ क्या हाल हो गया ये वाला। तो इसी तरह एक दफ़ा मैंने आपको जो है ना वो पिछले दिनों जो डॉल वगैरह भी आपके साथ खरीदा था वो भी हमने इसको निकाल दिया, बाज लोग ये भी कहते थे क्यों निकाल देते हैं फौरन, तो जब हमें नजर आ रहा होता है कि यहाँ से हम निकलना बनता है तो आप निकलें। अब के इलेक्ट्रिक का आपने पूछा तो के इलेक्ट्रिक का अब मुझे लगता है टाइम लगेगा काफ़ी, ये कम अज कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको इसके अंदर जो है वो आपके रेट पर, अगर आपने 4.5 रुपए से ऊपर लिया हुआ है ये, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन कोई वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो जाए एकदम से कोई बाइंग आ जाए वो और बात है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में फिलहाल मुझे ये उस तरह चलता हुआ नजर नहीं आ रहा ये वाला। बाकी फ्यूचर बहुत ही डेंजरस है, फ्यूचर का तो काम आपने करना ही नहीं है, फ्यूचर जितने लोगों ने किया कोई एक बंदा बताएं कोई कामयाब हो गई मैं कह तो वो कहे कि जी मैंने सारा फ्यूचर पे काम करता हूँ और मैं बड़ा कामयाब हो गया हूँ, फ्यूचर वाला हमेशा आपको नुकसान करता हुआ नजर आएगा, और ये स्टॉक मार्केट से बल्कि अपने घर बार से भी फारिग नजर आएगा, उसने घर बार बेच कर जो है ये स्टॉक मार्केट के कर्जे देने पड़ जाते हैं जो फ्यूचर में काम करते हैं, तो बिल्कुल इससे दूर है,
रोल ओवर वीक को इन्होंने एक्सटेंड तो कर दिया, फिर लोग ज्यादा फ्यूचर का माल ज्यादा खरीदेंगे, और जब उसका कोई आखिरी वीक आ जाएगा सेटलमेंट का तो उसमें फिर आप हैवी सेलिंग भी देखेंगे। तो बहरहाल ये आगे जब आएगा तो हम उसको स्टडी करेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ता है। जी नासिर तुफैल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम अलैकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। हेलो, सलाम अलैकुम काजी साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैं कोई दो तीन हफ्ते में ज्वाइन किया है ग्रुप। मैं काफी अरसे से थोड़े बहुत शेयर्स में काम करता था, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं आपका यूट्यूब देखता था तो बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और मुझे ये तो काफी जबरदस्त बिजनेस है, और मैं तो हैरान हुआ कि साइंस से पूरी, जब आपकी मैंने पूरी यूट्यूब देखी तो ये बिल्कुल साइंस के मुताबिक बिल्कुल चलता है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट हुआ। तो मैं, मेरा सवाल ये है कि तुम जैसे ये अपर लॉक्स जो लगते हैं जैसे किसी शेयर में, तो इसके कोई लिमिट होती है कि जैसे एक दिन से लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरे लगा? ये एक सवाल है मेरा। जी नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट एक पूरी साइंस है ये, इसको पूरा यानी एक स्टडी है ये। इस स्टडी के बगैर जो है, जो तुक्के पर चलते रहे, कोई मुझे बताया कि जी मैं 15 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, बगैर टेक्निकल के काम कर रहा हूँ, वो मुझे कहे कि मैं कामयाब हुआ हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। ये कामयाबी जो है वो वाजह नजर आए कि जी उसका कैपिटल 15 साल में कम से कम 10 गुना बढ़ गया हो, मैं उसको कहूँगा कि ये कामयाब इंसान है ये, कि उसका कैपिटल 10 लाख का था और 10 गुना बढ़ने का मतलब ये कि वो करोड़ों में उसका कैपिटल चला गया, जिसने 10-15 साल स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया, और वो ये कहे कि जी बगैर स्टडी के स्टॉक मार्केट ऐसे चलती है और इसके अंदर कोई टेक्निकल्स नहीं होते, कोई ये साइंस नहीं होती, और वो मुझे बताया कि जी मैं बड़ा अमीर तरीन, इस मैंने स्टॉक से बहुत बड़ा पैसा कमाया। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि मुझे कमेंट करे और ये बताया कि मैंने 15 साल से मैंने बगैर किसी स्टडी के ऐसे स्टॉक लेता रहूँ बस अपने हिसाब से, और मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। ये वाला बहुत पैसा वक्त ही कमाया होगा और बहुत गंवाया भी होगा बहुत ज्यादा ना। और मैं आपको अलहमदुल्ला मैं अपनी क्या मिसाल दूँ, ये आप जो मेरे मेम्बर्स हैं उनको खुद पता है कि उनके कैपिटल में जिन्होंने मुझे 5 महीने से ज्वाइन किया हुआ है, प्रॉपर जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया, उनको खुद अंदाजा हो गया होगा कि उनके कैपिटल में कितना इजाफा हो चुका है ये वाला। यहाँ पर मैं मिसाल नहीं देता ना, मैं किसी को जो है वो किसी मेंबर से कहता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो जरा बताओ, और मैं दावे से कह सकता हूँ यकीन से कि मैं अगर अपने मेंबर्स को कहूँ कि आप अपना जरा पोर्टफोलियो, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने पर्सनल गाइडेंस भी मुझसे लिया, अगर मैं उनसे कहूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं जनवरी वाला और अभी वाला, तो ठीक ठाक जो है उनके कैपिटल में वो इजाफा होगा ये वाला। ये सिर्फ 5 महीने की परफॉर्मेंस है, अगर वो 5 साल मेरे साथ काम करे तो मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि उनके कैपिटल में मोर देन 10x इजाफा होगा। 10x, 10% की बात नहीं हो रही, 10x की बात हो रही है, 10 गुना जिसको कहते हैं, ये गुना की बात होती है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये गुना होते हैं ये वाले। 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8 करोड़, 8 करोड़ से 16 करोड़, 16 करोड़ से 32 करोड़, इस तरह का इजाफा होगा अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करेंगे तो। इस तरह स्टॉक मार्केट आपको इतना हाई रिटर्न देती है ये, लेकिन मसला ये है कि हम लोग करते हैं अपनियाँ और कभी तो फॉलो करते हैं, कभी फॉलो नहीं करते। इस तरह काम करते हैं तो जो कमाया होता है वो भी हम दुआ देते हैं ना, तो इस तरह काम होता है ये। तो ये पूरी एक साइंस है, इस इतना ज़बरदस्त बिजनेस कोई दुनिया में नहीं है जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, अगर कोई प्रॉपर तरीके से इसके साथ चले ये। हाँ जी, मुश्ताक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर ये पूछना था, पाकिस्तान को ना मॉर्गन स्टैनले वाले MCSI जो है वो डाउनग्रेड करने के चक्कर में पाकिस्तानी PSX को और फंड मार्केट पे लाने के उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, तो इसका अभी कोई इफेक्ट आएगा? क्योंकि इसमें भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, लक्की है, दूसरा इंडस मोटर वगैरह बहुत सारी कंपनी है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है आगे आने वाली मार्केट पे या आने वाले दिनों में? और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो फैटफ वाला है वो भी पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में ही रखा है, और थर्ड थिंग जो है बहुत प्रेशर डेवलप हुआ है पाकिस्तान पे, तो आपको क्या लगता है? मिसाल के तौर पे अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चांद शेयर जो है ग्रीन में आ रहे होते हैं, जो आपने रिकमेंड किए बहुत अच्छे शेयर है वो डेफिनेटली, लेकिन बाकी मार्केट रेड है, तो अगर ये जो न्यूज अभी इकट्ठी होती जा रही है तो क्या मार्केट सस्टेन कर सकेगी इंडेक्स को? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं, मॉर्गन स्टैनले तो उसी वक्त डाउनग्रेड करता है जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, और आप क्या देखते हैं इस चीज को, प्लीज थोड़ा सा कमेंट। जी
हाँ जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है और पाकिस्तान को डिग्रेड करने की तरफ लगी हुई है, ओवरऑल पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है हर लिहाज से, और खासतौर पर FATF का भी, जो खासतौर पर हमारे मिनिस्टर्स ने, आपने उनके बयान सुने होंगे कि एक पॉइंट की वजह से कोई तुक नहीं बनती कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा जाए। ये सिर्फ अपनी जाति दुश्मनी और जाति अनाद की वजह से और अपने पर्सनल इंटरेस्ट लेने के चक्कर में जो है, ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए। और वैसे भी आपने वो पिछले दिनों हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की खबर भी सुनी होगी कि उन्होंने अमेरिका को जो है वो रिफ्यूज़ किया कि हम आपको कोई अपने अड्डे वगैरह भी नहीं देंगे इन फ्यूचर अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ते हैं ये वाले। तो वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए ये सारी जो है वो एक साजिश की जाती है और इसी तरह ये चलता रहता है। और ये इसका डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए जो वो अच्छा नहीं है। मार्केट को हम जैसे कहते हैं पहले ही पता होता है। आप जैसे मार्केट पिछले पूरे हफ्ते से ही एक अजीब और गरीब सिचुएशन पर मौजूद थी, डल पोजीशन पर मौजूद थी, नीचे आ रही थी, आज भी डल आई और डल के साथ साथ पीछे बैड न्यूज़ भी आना शुरू होगी। जैसे FATF का आ गया जी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा ये वाला, और आपने वो MSCI की उन्होंने बताया कि GPSX अपनी जो है वो इसी तरह डाउन ट्रेंड में और इसको हम डिग्रेड करेंगे और वैल्यू इसकी डाउन करेंगे इसकी ना। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना आए। ये आगे इन फ्यूचर अगर हम लोग बात करें तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये सारी खबरें जो है इसका एक असर रहेगा मार्केट के अंदर, लेकिन एक टाइम आएगा कि मार्केट इन सारी खबरों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारी मार्केट की जो सबसे बड़े मजे की चीज़ ये है कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी स्टॉक के अंदर ना होने के बराबर रह गई है। उसका एक प्लस जो है पॉइंट ये हमारे जो है ना वो इसका इम्पैक्ट आया कि जो हमारी मार्केट डिपेंड करती है जो लोकल हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर आप ये रिलाई करती है ये, और लोकल इन्वेस्टर हमारे तो कहीं भाग के नहीं जा रहे, वो तो यहीं पर ही मौजूद है, उन्हीं के कंधों पर ये स्टॉक मार्केट खड़ी है। अगर कोई म्यूचुअल फंड वाले बेचते हैं तो बैंक खरीद लेता है, बैंक बेचते हैं तो ब्रोकर खरीद लेते हैं, ब्रोकर बेचते हैं, तो इस प्रकार के हमारी मार्केट को ये संभाल लेते हैं ये वाली। और जो पहले होता था फॉरेन निकाल देता था पैसा और हमारी मार्केट धड़म से नीचे चली जाती थी, वो वाली सिचुएशन जो है वो नहीं होगी ये। बहरहाल ये सारी खबरों का मतलब ये होता है कि मार्केट ने नीचे आना है, बॉटम बनानी है, और बॉटम के बाद आपको अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप ले लें स्टॉक ये, और इन खबरों से परेशान ना होइए। तो अच्छी बुरी खबरों के बाद इंशाल्लाह अच्छी खबरें भी आएंगी। आप आगे देखेंगे 3 महीने के बाद ये ही पाकिस्तान जब FATF से निकल जाएगा, व्हाइट लिस्ट में चला जाएगा, तो यही जो खबरें थी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगी। और ये जो बड़े बड़े कह रहे हैं कि मार्केट को डाउन ट्रेंड कर देंगे या इसको डिग्रेड करेंगे, तो वो फिर कहेंगे कि जी मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से बेहतर कोई मार्केट ही नहीं है। जब ये 50,000-60,000 के लेवल पर पहुंच जाएगी ना, फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आने, सिर्फ FATF का अच्छा आ जाए रिजल्ट कि पाकिस्तान ग्रे से निकल गया, तो आप खुद देखेंगे कि गोरे भागे भागे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंच जाएंगे। और उस वक्त पहुंचेंगे जब यहाँ पर इतनी पैनिक सिचुएशन हो चुकी होगी, या तो आप लोग सारे ट्रैप हुए होंगे किसी भी स्टॉक के अंदर, या मार्केट इतने नीचे आई होगी कि कोई हाथ लगाने को डरेगा कि जी अभी नहीं लेनी, अभी तो बहुत नीचे आ जाएगी मार्केट ये, तो उस टाइम ये सारा माल उठा लेंगे और ऐसे मार्केट को उठाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी नीचे आई थी और एकदम ऊपर चलेगी, हम तो देखते रह गए ये वाले ना। तो बहरहाल बेहतर ये है कि कैश अपना संभाल कर रखें, और जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं उनके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट वाले जो स्टॉक है, जो अभी छोटे मोटे स्टॉक की बात नहीं हो रही जो नीचे आ रहे हैं, वो तो नीचे आएंगे, जो नीचे से ऊपर गए थे पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने तो नीचे आना है, लेकिन जो अभी चले नहीं है उनके अंदर लाजमी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट ने नीचे आकर आपको मौका नहीं देना उन स्टॉक को लेने का। ये इसका एक तरीकाकार होता है, ये तरीका बरदार होता है। ये सोशल मीडिया पर इतनी बुरी खबरें फैला देंगे मार्केट पर कि आप सारे डर रह यानी डर आपके अंदर पड़ जाएगा कि अभी नहीं लेना, अभी बहुत नीचे आएगी, अभी नहीं लेना, तो अभी नहीं लेना वो ना लेने में आप इतना यानी कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि बस वो जो ना लेने वाले स्टॉक थे वो ऊपर चले जाएंगे, और फिर जब ऊपर जाएंगे तो फिर आप कभी भी नहीं ले सकेंगे उन स्टॉक को। ये जी सुहेल साहब चश्मा से आप कॉन्फ्यूज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वैसे तो मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन वो आज की मैं आपकी वीडियोस तो रोजाना रेगुलर देख रहा हूँ, तो कुछ दिन पहले GHGL और MLCF मैंने बाय किया था 50 के लगभग ना, वो फिर आपने सजेशन दी थी कि इसको होल्ड कर लें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने कहा कि MLCF को भी निकाल दें बेशक ना, तो वो अब 46.5 पे, मुझे दोनों में कोई मसला नहीं है, मैं रख भी सकता हूँ मैं निकाल भी सकता हूँ, लेकिन जो बेहतर स्ट्रेटजी है मुझे बस वो गाइड करने के रखूं या निकाल दूं। जी सुहेल साहब, लॉस में तो आपने नहीं बेचना, प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पर आता तो फिर तो निकाल दे, या इसको रिप्लेस में कह रहा हूँ, बेच कर रिप्लेस कर देना। जो अगर सीमेंट सेक्टर का ही स्टॉक लेना है तो हल्का वाला स्टॉक लें, जिसका जो है जिस पर लोगों की नजर जरा कम होती है, जैसे मैंने मिसाल दी इसके साथ वाला गरीब वाल सीमेंट, उसके चलने के बहुत चांस है ये, या ऊपर के लेवल पर पाइनियर सीमेंट है वो अब बहुत हल्का स्टॉक हो गया, 120-130 के दरमियान है, वहां पर उसको उसकी पोजीशन देखे वो ले ले,
तो जो मैपल लीव आपको टाइम लगा के देगा तो ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी अच्छा गेन जो है वो दे देंगे और बेहतर रह जाएगा आपके लिए ना। बाकी स्टॉक बुरे नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छे हैं ये वाले, बेशक अगर इसको भी रखना चाहते हैं तो इसको रख ही रखें, लेकिन आपको ये आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने आपको 6 महीने में देना है इसमें आपको वो साल लगा के देना है, बस ये होगा ये। हाँ जी उजैर साहब, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अरसे बाद बातचीत हो रही है। असल में वो आयरलैंड में जो है ना टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ना, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और मैं आपसे ना बहुत फायदा उठा रहा हूँ। अभी जो मुझे रिसेंटली आपके दो शेयर्स ने बड़ा फायदा दिया, इमेज ने और ट्रीट ने। इमेज मैंने अभी करंट लेवल से 10 रुपए नीचे पे लिया हुआ था और ट्रीट मैंने 32 रुपए से स्पिलिंग शुरू कर दिया। तो अब ये इमेज का ये क्या है कि इमेज कहाँ जाके इसका टारगेट क्या है, और ट्रीट तो आपने बताया 60+ पे जाएगा ना, बाकी माशाल्लाह प्रॉफिट में हूँ बहुत जबरदस्त। मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ काम करना है। जी उजैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बस ये आपका नसीब है जो आप स्टॉक मार्केट से कमाते हैं, ये अल्लाह ताला ने आपके नसीब में रखा हुआ और मेरा एक जरिया बनाया हुआ है, आपको गाइडेंस मिल जाती है और इंशाल्लाह जो आपका प्रॉफिट है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और भी प्रॉफिट देना। इमेज सर ये जो स्टॉक होते हैं ना कि कितना ऊपर जाएंगे, हद कोई भी नहीं है, क्या आपका यही इमेज निकलता किस तक सकता 150-200 पर चला जाए, वहां पर भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ये वाली हद है। ये किसने सोचा था कि ये जो 200-300 रुपए वाला नेस्ले ये चला 10-12 हजार पर चला जाएगा ये वाला, और ये जो कोलगेट वगैरह जो है ये छोटे छोटे स्टॉक होते थे एक टाइम था और अब ये कहाँ पर चले गए, तो किसी ने इनकी इंतहा तो कोई भी नहीं है स्टॉक की ना। तो इसको आप इंजॉय करें, इमेज जा रहा है 10 रुपए से ये शुरू हुआ था, आज ये 28-29 पर चला गया, हमने इसको इसके अंदर से मैंने भी बहुत पैसे कमाए, आप लोगों ने भी इसके अंदर बहुत पैसे कमाए, और अभी ये चल ही रहा, आज फिर इसने लॉक के करीब पहुंच गया, कल भी इसने लॉक लगाया था, आज भी लॉक के करीब, अभी फिर अप ट्रेंड में शुरू हो गया, फिर हो सकता है 4-5 रुपए ऊपर जाएगा 2 रुपए के, फिर स्केलिंग आपको मौका देगा, फिर चलता जाएगा ये वाला स्टॉक। तो इंजॉय करते जाएं, इसी तरह ट्रीट के साथ जहाँ जहाँ तक जाता जाए इसको भी लेके जाते जाएं, और छोड़े ना, इनकी गर्दन आपके हाथ में आ गई है नीचे से जिन्होंने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसकी गर्दन आपके हाथ में आ गया, तो गर्दन कम अज कम जिस स्टॉक की आपके हाथ में आ जाए उसको जल्दी ना छोड़े ये वाला। अगर ये स्टॉक निकल गया ऊपर तो ये आपके लिए विनिंग हॉर्स बन जाएगा ये वाला, और विनिंग हॉर्स किसी किसी के हाथ में आता है कि ऐसा कोई कामयाब जो है ना जीतने वाला घोड़ा आपके हाथ में, और ये बहुत कम चांस होते हैं स्टॉक मार्केट आपको देती है कि जीतने वाले घोड़े आपके हाथ में आ जाए, कम ही घोड़े होते हैं जो हाथ में आते हैं और जिसके हाथ में आ जाए उनकी तो किस्मत ये बदला देते हैं ना ये वाले स्टॉक जो होते हैं। अब जिसने 10 रुपए का लिया था इमेज और अभी तक जिसने होल्ड करके रखा हुआ है, तो मोर देन 100% का गेन उसने आपको दे दिया ये वाला, 100% से गेन आपको उसने 2-3-4 महीने में दे दिया। अगर ये 200% का गेन आप संभालें अगले साल, फिर 200-300% का गेन हासिल करें, ये 200% का मतलब हुआ 2x, दो गुना आपकी पैसे बढ़ गए ये वाले। आगे फिर तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, किसी और स्टॉक को कोई ढूंढे एक साल के बाद या 6 महीने के बाद, वो 2x आपको बढ़ा दे, 4 गुना आपकी रकम बढ़ गई ये वाली, 4 गुना रकम बड़ी रकम है आपका, 10 लाख 4 गुना बढ़ जाए ये वाला, तो बड़ा ही यानी कि माशाल्लाह बरकत भी है ये वाली और अल्लाह तआला का बड़ा करम भी होता है ऐसे लोगों का। जरा हाँ जी अब्दुल रहमान साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी अब्दुल रहमान साहब, अबू हारी साहब हैं, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, ये GHNI गंदारा इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, 2 दिन पहले इसमें एंट्री दी थी मैंने, काफी फ्लक्चुएट हुआ, 291 पर भी गया, फिर आज काफी नीचे भी आ गया, इसमें और मजीद एंट्री बनती है या अभी बस बैठे रहें सबर करें? जी अबू हारी साहब सर इस तरह होता है ना कि वक्ती आपने इन्वेस्टमेंट की थोड़ी इन्वेस्टमेंट, अगर नीचे आ गया तो छोड़ दे बस, अब सबर करें, जब थोड़े रात बेहतर होंगे ये दोबारा रिवर्स करेगा, जब रिवर्स करके ऊपर जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर स्केलिंग करनी है, और जब देखें कि बिल्कुल सूरत-ए-हाल क्लियर नहीं आ रही, मार्केट भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही और ये मुसलसल नीचे आता जा रहा है, तो नीचे कहीं एक लेवल पर फिर आपको काटना भी पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, फिर कहीं नीचे बहुत नीचे आ जाता है तो फिर वहां पर दोबारा बाइंग को रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ नीचे आ गया इसको बाय कर ले। बहरहाल गंदारा बहुत अच्छा स्टॉक है ये वाला, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, थोड़े लेकर इसको रख ले, थोड़ा सबर करेंगे तो इंशाल्लाह ये रिकवर भी करेगा, ये बहुत अच्छे बाइंग जोन में, ये तकरीबन 250 से लेकर 300 ये सारे इसके बाइंग जोन है ये, और जब ये 300 क्रॉस करेगा तो फिर बड़े अच्छे लेवल पर निकल जाएगा, और जो ही आगे देखेंगे अगस्त में इनके रिजल्ट आने तो गंदारा का रिजल्ट भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट से पहले ही बहुत अच्छा हो जाएगा ऊपर भी। बहरहाल इसकी कोई टेंशन ना लें आप। हाँ जी अब्दुल रहमान साहब आप बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
काजी भाई मैंने आपकी कॉल पे ना ये डॉल लिया था, अब ये नीचे आ गया, अब मैं इसका क्या करूं? और दूसरी बात, मेरे पास जीए रखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? वो भी मैंने ऊपर की बाइंग करी हुई है, 51 रुपीज की बाइंग करी हुई है, क्या उसे होल्ड करूं या सेल कर दूं? जी अब्दुल रहमान साहब, डॉल मैंने बाय करवाया, साथ ही स्टॉप लॉस भी बताया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस पे से बाहर आ जाना चाहिए था आपको, अगर आपने प्रॉपर मुझे फॉलो करना है ये वाला। आप नीचे आ गया या जिधर भी चला गया, आप मैं उसके बारे में क्या बात करूं कि वो अब क्या करे आप ना? आपने पहले मेरी बात मानी नहीं है कि बाय तो मेरे कहने पर ले लिया, तो स्टॉप लॉस भी मेरे कहने पर आपने लगाना था ना, तो वो आपने लगाया नहीं है। जी एच जी एल मैंने बाय करवाया बिल्कुल, जब ये था 49-50 रुपए के दरमियान था, मैंने आपको बाय करवाया, जब मुझे इसके अंदर मूवमेंट नजर नहीं आई तो मैंने 51 पर आपको निकलवा दिया। इसके अंदर यकीन ना आए तो मैसेजेस आपके पास मौजूद है, अगर आपको मैसेजेस नजर नहीं आते तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको दिखा दूंगा तो वो मैसेज कहाँ पर मौजूद है ना। तो तरीकाकार ये होता है कि प्रॉपर आपने फॉलो करना है, ये अपनी मर्जी नहीं करनी, जो स्टॉक मेरी मर्जी के लेने हैं तो मेरी मर्जी के मुताबिक आपने उसको प्रॉपर फॉलो करना है। वक्ती अगर स्टॉप लॉस से मैंने आपको लॉस करवा के वहां से निकलवा दिया तो मुझे पता होता है कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये जितने परसेंट का लॉस होगा तो किसी और स्टॉक में मैं आपको उतने परसेंट का गेन भी करवा के दे दूंगा कि वो आपका लॉस कवर हो जाएगा ये वाला। लेकिन आप उन स्टॉक को अपने दिल के साथ चिपका के बैठे रहेंगे तो वो फिर बैठे रहे, आप डॉल के लिए आप दुआ करें कि आप ये डॉल वापस रिकवर हो, कब होगा ये क्या होगा, वो फिर नई स्टडी होती है ना, फिर वो उसकी स्टडी दोबारा करनी पड़ती है कि आप क्या उसकी पोजीशन होगी। फिलहाल वो बाइंग पोजीशन पर नहीं है, फिलहाल वो निकल गया, इसी तरह जो है वो जी एच एल फिलहाल बाइंग पोजीशन पर नहीं है क्योंकि आप भी उसके अंदर मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रही, जब आएगी तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह प्रॉपर फॉलो के साथ मेरे स्टॉक के साथ चलेंगे तो आपको जो है वो इन फ्यूचर फायदा हो सकता है। अगर आपने अपनी मर्जी करनी थी तो मेरा ग्रुप ही ना ज्वाइन करते, फिर जो अपनी मर्जी से आप पहले से कुछ स्टॉक लेके कर रहे थे वही करते रहते और चला ही रखते, इसी तरह जो है वो जो काम होता है अपने तौर पर लिया बेचा, किसी ने कह दिया ले लो ये इधर हो जाएगा तो उसका लेते रहे, और वो लेने का भी आप लोगों ने देख लिया होगा का रिजल्ट कि वो जो ऐसे आप लोग लेते रहे तो वो कैसे लेते रहे, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या कमाया, क्या लॉस किया, और जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ कैसे काम किया जाता है उसका तरीकाकार क्या होता है। बहरहाल सीखेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह आपको सीखना जो है ना, सीखने के साथ ही आपको ये सारी चीजें समझ आ ही जाएंगी। ये बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखे, टाइम यहाँ पर काफी हो गया, बीच में से थोड़ा सेशन टूट गया था तब मैंने ये थोड़ा टाइम बढ़ा दिया 9 बजे से ऊपर, और ये सारे सवाल भी आप लोगों के खत्म हो गए। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि संडे वाले दिन 8 बजे मेरा फेसबुक पर लाइव सेशन होगा, और उस पर जो है ना मेरी पूरी कोशिश होगी कि करेक्शन क्या होती है, करेक्शन का क्या साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है मार्केट का, इस पर मैं इस टॉपिक पर बात करूं और फेसबुक लाइव में। तो फेसबुक लाइव में मेरा पेज जो है काजी नबील के नाम से ही है, आप मेरे पेज को लाइक करें, ठीक है, तो आपको वो मेरा लिंक भी आ जाएगा, आपने उस पर लाइव ये बातें सुननी भी है और मेरे साथ लाइव भी होना है, जो भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं लाइव आपको जो है उसका आंसर भी दूंगा ये, और इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग भी होगी और आपको इसकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझ आएगा कि ये मार्केट जो करेक्शन लेती है ये कैसे करेक्शन होती है और ये क्या कर सकती है करेक्शन के अंदर, इस चीज को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप सारे जिस जूम में मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर भी पार्टिसिपेट करेंगे, लाइव सेशन को जो है वो एंजॉय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को जूम सेशन इस एपिसोड नंबर 131 के साथ इजाजत दें। अल्लाह।